जैतपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक मानसिक रूप से कमजोर महिला का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जरूरी लिखा पढ़ी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैतपुर के रामपुर की रहने वाली सीमा रावत नामक 30 वर्षीय महिला के द्वारा अपने घर पे जब अपने मायके में थी तो यहाँ पर इसके द्वारा प्रथम दृष्टया जो छानबीन की गई है, जानकारी की गई है, उसके आधार पर इसने फांसी का फंदा लगा लिया। सीमा पत्नी बबलू उम्र 35 साल, मायका रामपुर का है और इसका ससुराल भनौली थाना सत्रिक है। लेकिन आज सुबह लगभग 10 बजे घटना रामपुर थाना जैतपुर में हुई, जिसे सीमा द्वारा अपनी 2 वर्षीय बच्ची को तालाब में फेंकने के बाद स्वयं घर के छत के कुंडे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के परिजनों व ग्राम प्रधान राम किशोर से बातचीत की। उन लोगों ने बताया कि सीमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जरूरी लिखा पढ़ी करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कानूनी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। रामपुर की रहने वाली सीमा रावत नामक 30 वर्षीय महिला के द्वारा अपने घर पे जब अपने मायके में थी तो यहाँ पर इसके द्वारा प्रथम दृष्टया जो छानबीन की गई है, जानकारी की गई है, उसके आधार पर इसने फांसी का फंदा लगा लिया। इसके पूर्व इसने अपनी एक 2 वर्षीय बच्ची है जिसको अपने घर के ठीक पीछे सटे हुए तालाब में उसको संभवतः इसने डाल दिया है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई है। इसके बारे में गाँव में जो पूछताछ की गई है, तमाम जानकारियाँ की गई हैं, उसके आधार पर पाया गया है कि ये महिला थोड़ी मानसिक रूप से कमज़ोर थी। पूर्व में भी इसके द्वारा इस तरह का प्रयास किया गया है, लेकिन उस समय वो खेत में एक पड़ी हुई मिली थी और इसमें अन्य तथ्यों की भी छानबीन की जा रही है। पीड़ित को भी बुला लिया गया है, अन्य कोई भी तथ्य नया प्रकाश में आता है तदनुसार सारे तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।